अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जैसा ये मुखिया है, चोर नहीं होना चाहिए। मुखिया ही चोर है? चोर नहीं है तो क्या है भाई? आपके आपके मुखिया मेरा मुखिया है तो मैं बोल रहा हूँ ना कि चोर है। अब गाली भी दूंगा मैं। क्या किया है हम लोग के लिए? इतना जो भी पाइप लगा हुआ है वो सब सड़ा हुआ पाइप लाए हुए, रिजेक्ट पाइप है लगा हुआ है, नल है तो पाइप नहीं मिला। 4 किलो जोर का मिला हमने के एक काम दी पर सरकार से तो 5 किलो ना तो 5 किलो हमने के ना मिला खातिर लौट जाए से कहल से हमने का कंप्लेन कर से तो जा कंप्लेन कर। अगर 50 बार मुखिया जी से कहे गइल बानी आ तब मुखिया जी सोची जे हेने कहत हो रहा जा 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 बात बाद में हमरो समा से नहीं के। राशन कार्ड के लिए तो पैसा दिया गया था। किसको दिया गया था? वार्ड को ही। क्या नाम है वार्ड का? प्रेम ठाकुर। वार्ड साहब बाहुबली है, देखे नहीं है आप? पूरा रेस ऐसे ऐसे करके ताक रहा है, चोर है एकदम। प्रेम ठाकुर जो है वो चोर है वार्ड आदमी को। हम लोगों के यहाँ जो डिलीवरी वगैरह होती है या किसी बच्चे को तबीयत खराब होता है तो रोड के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोग पानी में हेल हेल करके कंधे पर लेके जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। हमारे खास कार्यक्रम है कि हमारा मुखिया कैसा हो, इसी को कवर करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं दुरौदा प्रखंड के रसूलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 की स्थिति जो है वो आपको दिखाएंगे और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि मुखिया कैसा होना चाहिए। बताएं कि विगत 5 साल हो चुके हैं और यहाँ के वर्तमान जो मुखिया है वो राजकुमार ठाकुर है और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उससे लोग कितना संतुष्ट हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि विगत 5 सालों में वार्ड नंबर 5 की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और विकास कार्य से वंचित है यहाँ की जनता। तस्वीरें एक दिखाएंगे मुखिया जी के तरफ से तो नहीं, लेकिन एक बहुत बढ़िया ब्रिज बनाया गया है जो कि इस मोहल्ले में आने के लिए लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बारिश का मौसम होता है, जल जमाव की समस्या होती है, उस वक्त इसी पुल से वो लोग आते हैं। आप इसको पुल कह ले, ऐसे कह ले कि ये मुखिया और वार्ड के तरफ से नहीं, यहाँ की जो जनता है, जो ग्रामीण जनता है, इनके द्वारा ये बनाया गया है। बड़ी मुश्किलों के साथ ये डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करके पसीना बहाते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं और उनको पालते हैं। लेकिन मुखिया जी को शर्म तक नहीं आती, मुखिया जी के तरफ से और वार्ड के तरफ से यहाँ तक आज भी विकास का कार्य नहीं पहुँचा है। लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की जनता कह रही है कि मुखिया जी जो भी पैसा आया है वो अपने अकाउंट में रखे हैं और अपने निजी खर्च में ही लुटा डाले हैं। इससे जाँच की मांग भी लोग कर रहे हैं, यहाँ की जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है। नल जल की जो स्थिति है, तमाम पंचायत में जाकर के हमारा जो खास कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा मुखिया कैसा हो, इसके अंतर्गत हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत की स्थिति क्या है। लगभग 16 से 17 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट है, यानी 100 घर से ऊपर है तो 16 लाख रुपए का जो फंड आया हुआ था नल जल योजना का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा सपना था कि हर घर शुद्ध पानी पहुंचे, लेकिन कभी मोटर जलता है तो कभी लाइट नहीं, कहीं पाइप लगा है तो कहीं नल नहीं। सिवान जिले के दुरौदा प्रखंड के रसूलपुर पंचायत की जनता से हम बातचीत करने पहुंचे हैं और हमारा मुखिया कैसा हो इस कार्यक्रम के तहत यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड और मुखिया के तरफ से विगत 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है। ग्रामीण जनता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए कि नल जल की स्थिति क्या है? बहुत बुरा है सर, यहाँ पर जो भी पाइप लगा हुआ है वो सब सड़ा हुआ पाइप लाए हुए, रिजेक्ट पाइप है लगा हुआ है, नल है तो पाइप नहीं, पाइप है तो कभी 3 महीना हो गया नल पानी आयु। अच्छा, जब नल जल का काम चल रहा था तो कहाँ थे? हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर थे। अच्छा जी, ग्रामीण लोग आवाज नहीं उठाए, गलत काम? आवाज ये लोग समझे कि बहुत को कभी देखा नहीं कि नल जल कैसा होता है, इसी भरम में ये लोग पड़े रहे और उसके बाद जब देखा पता चला कि 30 रुपया पाइप का देना भी पड़ेगा, तब इन लोगों को अभी हो रहा है कि 3 महीना हो गया 90 रुपया तो ऐसे ही हो गया। और इस तरह से हम लोग बोलते हैं तो वार्ड मेंबर यहाँ से फरार हो जाता है और कोई ऐसा वार्ड मेंबर महीना नहीं है जो वार्ड मेंबर औरतों से झगड़ा नहीं करता है, किसी से 500, किसी से 400, किसी से तो क्या चीज़ का 400-500 क्या चीज़ का? ये नल लगाने का या गैस सिलेंडर अगर दे रहे हैं तो सरकार दे रही है, पास हो गया तभी उनको पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। और रोड जो है
बड़े बड़े आदमी के तरफ रोड बन रहा है और गरीबों के तरफ जिधर इधर हमारे नूनिया भाई हैं और दानुक लोग हैं, अहिर लोग हैं, इन लोगों के तरफ नहीं। और जाके देखिए आपको मुखिया जी से कभी बातचीत नहीं किए? मुखिया जी तो मिलते ही नहीं है। और सर इससे वार्ड मेंबर 5 से बोलिए तो अभी आपके सामने वो भाग गए, वो बुलाए गए आपके सामने भाग गए हमारे भाई के घर में जाकर के। वहाँ क्या मीटिंग चल रही है इन लोगों का, इसलिए सब मिल करके घोटाले किए हुए हैं ना। तो यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है, हम लोग बाहर रहते हैं, आने के बाद पता चला कि ऐसी सी बात है। और ये गरीब हैं इसलिए इन लोगों का, बड़े लोगों का सब काम हो रहा है। चलिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इंदिरा आवास मिला है कि नहीं। सड़क की स्थिति तो आपको बता ही दी है, नल जल की जो स्थिति स्थानीय लोग बता ही रहे हैं, लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा आवास मिला है कि नहीं। राशन पे एक आदमी पे जो 5 किलो मिलने का बात होता है, यहाँ के डीलर साहब जो है वो कितना देते हैं, उसके लिए मुखिया से कंप्लेन लोगों ने किया है कि नहीं, इस पे भी जानकारी हम देंगे। बताइए चची, चार किलो जोर का मिला हमने के एक काम दी पर, सरकार से तो 5 किलो ना, तो 5 किलो हमने के ना मिला, खातिर लौट जाए से कॉल से हमने का कंप्लेन कर से तो जा कंप्लेन कर गए ना मिले ला। इंदिरा आवास बा हमने के घर में जाके देखी, एगो घर के रह के फूस नहीं के, अगर 4 गो कम निहारे हो के ओकर नौकरी चाकरी नहीं के तो कौन आसदार बा सरकार के द्वारा बाजे कोई मिल जाए तो एगो रह के शरण हो जाए। मुखिया जी सर बने कहाइल बा सब दियल बा कागज पत्र, मुखिया तो इतना बढ़िया बनी जे रोरा बात करे जाए तो मुखिया वहाँ भाग जाए, मुखिया भाग जाते हैं। हाँ भाग जाता, मुखिया का मुंह पर हम कह दे हमारा 2 गो लड़का पागल बड़े सा, अगर 50 बेर मुखिया जी से कहे गई बनी आ तब मुखिया जी सोची जे ने कह तो जा 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 बात बाद में हमारे समा से नहीं थे। अभी तो मुखिया जी का मुँह पर सामने हम धा दे, दो महीना पर राशन मिलेगा, 2 महीना, 1 महीना के काट के 1 महीना पर, 3रा महीना पर मिलेगा राशन। अभी देखे हमने के कबो हमने के देखा सकेला। बोलिए क्या बोल रही है? एको चीज हमने के तो बना लो देहल, पैसा लगाओ भी नहीं खे मिल, सब घुटाला को जाता लो। राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड के लिए बनवाने के लिए कितना पैसा दी? पैसा तो लगता है 2000-3000। किसको दी? किसी को, उस लोग दिए, वो लोग दिए जो जो वार्ड में बा, वार्ड को। हाँ वार्ड 2000 रुपया लिए। प्रेम ठाकुर, प्रेम। बताइए क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड के लिए तो पैसा दिया गया था। किसको दिया गया था? वार्ड को ही। क्या नाम है वार्ड का? प्रेम ठाकुर, लेकिन नहीं बना पाए, बैठे बैठे वैसे रखे 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 3-4 महीना 6 महीने 3-4 साल हो गया। कितना 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 पैसा लिया था? 300 रुपया लिए थे। 300? आपसे 2000 लिए थे? हमसे भी 2000 ले से, इनसे भी लिए हैं। देखिए ये जनप्रतिनिधियों की जो खेल है, वो आपको बताएं कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के वोट लेकर गद्दी तो थाम लेते हैं, लेकिन जब राशन कार्ड बनाने की बात होती है तो इन्हीं जनता से, इन्हीं वोटरों से 2000 रुपये यहाँ के जो वार्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि प्रेम ठाकुर जो यहाँ के वार्ड है 10 साल से यहाँ पे वार्ड की कुर्सी संभाल रहे हैं और वो 2000 रुपये लोगों से लिए हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक लोगों का राशन कार्ड नहीं बना। खैर और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कोई भी, देखिए यहाँ ब्रह्म स्थान है जो भी है वो हो गया, हम लोग का कब्रस्तान जो है वो भी नहीं घेराया है, और उधर खरंजा हो गया रोड में, PCC कराने वाला था रोड के लिए, वार्ड बोल रहा है कि हो जाएगा, आदमी सबको भरमाता है। प्रेम ठाकुर जो है बोलता है हमारे नाम पर DM के पास कंप्लेन करो, थाने में जाओ। मुखिया बोलता है कि कोई भी हम लोग का बात नहीं सुनता। बाहुबली है क्या वार्ड साहब? हाँ वार्ड साहब बाहुबली है, देखे नहीं है आप? पूरा रेस ऐसे ऐसे करके ताक रहा है, चोर है एकदम। प्रेम ठाकुर जो है वो चोर है वार्ड। चोर क्या है बोल रहे हैं? अरे पैसा ले लेकर ठगा है हमारे। आपके जनप्रतिनिधि है जी, आप उनको चोर? नहीं नहीं, तो चोरी का काम कीजिएगा तो चोरी न बोलेंगे आपको, क्यों नहीं बोल सकते हैं? आपको हम वोट देकर जिताए हैं ना, आपको ये नहीं बोले हैं कि हमारे सर पर आप बैठ जाइए? नाला इधर देखिए, डिलीवरी वलीवरी होता है तो सब आदमी खटिया पर लेकर चलते हैं आदमी को। हम लोगों के यहाँ जो डिलीवरी वगैरह होती है या किसी बच्चे को तबीयत खराब होता है तो रोड के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोग पानी में हेल हेल करके कंधे पर लेके जाते हैं। जल जमाव का तो समस्या बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ, तो रोड का कोई इतना समस्या खराब हो गया है कि कोई भी व्यक्ति इस रोड के ऊपर, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड हो, कोई भी ध्यान नहीं देता। हम लोग आज से नहीं, लगभग 20 साल से 15 साल से कोशिश कर रहे हैं, बल्कि रहते हुए हम लोगों को 50 साल से ऊपर हो गया। हम लोग देखिए आपको बताएं कि एक ऐसी बस्ती है जो कि महिलाओं का डिलीवरी, जब डिलीवरी का वक्त होता है उस वक्त खाट पे ले करके और कंधे पे यहाँ से
रोड के तरफ जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं इस पंचायत में, उनके दरवाजे तक रोड बन गया है, लेकिन जो डेली पसीना बहा करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं जो मजदूर, उनके तरफ सड़क नहीं बन रहा है। जब डिलीवरी का वक्त होता है उस वक्त किस तरह से परेशानियों का सामना करना होता होगा, और जब जल जमा होता होगा और किसी की तबीयत खराब हो तो किस तरह का परेशानियां होती होंगी, ये तो उस वक्त बताया जा सकता है, और स्थानीय जो लोग हैं वो बता ही रहे हैं। बोलिए। ये देखिए, हम लोग का जितना भी व्यवस्था है, इधर सौ घर है, ठीक है, सौ घर है, मुखिया और वार्ड क्या किया है हम लोग को, आप लोग को दिखाते हैं। पहले ये रोड का पैसा आया है, कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा जगह हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? वो लोग पैसा खाया है तो इसलिए नहीं होता है। उन लोग से मुलाकात नहीं हो रहा है, रोज बोल रहा है, डेली बोलता है कि आज करूंगा कल करूंगा, ऐसे माटी गिरवा दिए बस, थोड़ा सा बस हो गया। अब चलिए देखिए, ये लोग अपना पैसा से हम लोग लगा के बनाए हैं रोड पूरा, ये बनाए हैं जो जाने का बांस का, वो अपने पैसा से बनाए हैं हम लोग। इधर से क्या करते क्या है? मैं सेटरिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। बोलिए। राशन वगैरह मिलता है? मेरे को राशन मिलता है, मगर वही 4 kg मिलता है। हाँ। देखिए, आपको बताएं कि जो डीलर होते हैं लोगों को झांसा में फंसा देते हैं, और ये कहते हैं कि वहां से वजन करके जो मिलता है, यानी 50 kg का जो बोरा होता है वो कम होता है। लेकिन आपको बताएं कि जो भी डीलर होते हैं उनको जब वहां से राशन दिया जाता है, जो राशन दिया जाता है वो वजन करके अगर 45 kg का जो बोरा है तो 45 kg का ही रिपोर्ट लिखा जाता है। लेकिन वो जनता को झांसा में फंसा करके डीलर जो है वो ये कहते हैं कि 50 kg का बोरा तो मिलता है लेकिन उसमें 40-42 kg रहता है। इसके ऊपर भी मुखिया का नजर पड़ना चाहिए, लेकिन मुखिया का नजर क्यों नहीं पड़ रहा है? यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि मुखिया चोर है, वार्ड चोर है, ये हम नहीं और ना ही हमारी टीम, यहाँ की जनता कह रही है कि वो बाहुबली है, वो चोर है। बताइए क्या कह रहे थे? कोई भी काम नहीं होता है, वो बोलता है कि जाकर हमारे नाम पर कंप्लेन करो, पुलिस थाना करो, डीएम के पास लिख करो। कौन कहता है? ये प्रेम ठाकुर जो वार्ड है यहाँ का, सतजोड़ा का पंचायत का, रसूलपुर पंचायत 5 नंबर वार्ड है यहाँ का, वही बोलता है। कल नहीं 10 दिन पहले हम पूछे थे तो बोल रहा है हमसे, उससे झगड़ा हो जाता है, लेकिन हम नहीं बोले कि हमारे पास कोई सपोर्टर नहीं था। ऐसा हमारे साथ पूरा जनता है, इसलिए उसको वोट देकर जिताया गया। वो दोनों एक ही जात है, मुखिया भी है, ठाकुर जात है, और ये वार्ड जो किस चीज का वो रूप दिखाते हैं कि डीएम साहब, ये लोग दोनों मुखिया अपना है भाई, अपने में कंप्रोमाइज कर लेता है ये लोग, इसलिए है। मुखिया अगर जी दूसरा तब ना वार्ड पर परेशान, ठीक है, उससे आगे जाके ब्लॉक स्तर पे सीओ से या फिर विकास प्रखंड पदाधिकारी से या फिर डीएम साहब से कभी कंप्लेन किया? हाँ, किया गया है, रिसीव वगैरह है? हाँ, सब चीज हुआ है, यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन सब आई थी यहाँ पे, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हो रहा है जी। बोलिए सर, वही प्रेम ठाकुर जो है 1000 रुपया हमसे लिए इंदिरा आवास निकालने के लिए, आप कम से कम कोशिश करके वहाँ पर चलिए, देखिए हमारा मड़ई, कहीं रहने का हमको शरण नहीं है, बैठने के तक जगह नहीं है, 2 बरस हो गया और पैसा काले परसों गए थे पैसा मांगने तो बोले कि सुबह दे देंगे, अभी तक ले वो नहीं आए, वो बहुत हरामी है। मुखिया कहता है ऐसे काहे गाली दे रही हैं आपके जन ना, गाली देंगे हम लोग गरीब आदमी को कोई मारेगा गरियाएगा, द्वार पर जाइए तो कितना गाली देता है, बोलता है द्वार पर जाइए ना कितना बोलता है, तो वैसा आदमी के हम लोग भाई कुछ नहीं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे सिवान जिले के दुरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रसूलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 से। वार्ड नंबर 5 की जो जनता है वो मुखिया को चोर कह रही है, वार्ड को चोर कह रही है, वार्ड को बाहुबली और मुखिया को बाहुबली कह रही है, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला। और यहाँ से जब स्थानीय लोगों से जब बातचीत हुई तो पता ये चला कि जो यहाँ के वार्ड जो हैं, वार्ड सदस्य हैं, किसी से 300 तो किसी से 1000 और किसी से 2000 रुपया वो केवल राशन कार्ड बनवाने के नाम पे लिए हैं। ऐसे ही तस्वीरें दिखाएंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम अपील भी करेंगे कि यहाँ से जो लोग, यहाँ की स्थानीय जनता जो है आवेदन दी है
उस पर कार्रवाई की जाए और यहाँ की जो जनता विकास कार्य से वंचित है उस पर जरा ध्यान दिया जाए। ऐसे ही तस्वीरें दिखाएंगे और खास कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा कि हमारा मुखिया कैसा हो और जान लेते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए। बताइए चाचा, मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया सर पहले थे, अब तो है ही नहीं। अब तो जरा सा अब अगर कोई गलती उन मुखिया के खिलाफ आवाज उठाता है तो तुरंत थाने में फोन, इसलिए कि बाहुबली लोग अच्छा होना चाहिए, इसके जैसा नहीं होना। मुखिया कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बताइए भैया, मुखिया कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए।